ओके okay, तो आज हम देखेंगे पोलर फॉर्म ऑफ सी आर इक्वेशन जैसे सीआर इक्वेशन के कार्टिशियन फॉर्म ऑलरेडी हमने देखे हुए यू एक्स इक्वस टू वी वाई वी वाई इक्वस टू सॉरी माइनस वी एक्स नाउ वी विल सी पोलर फॉर्म ऑफ कोची रिमान कंडीशन या फिर कोची रिमान इक्वेशंस पोलर फॉर्म किस तरीके से होते हैं वो देखते हैं पहले तो स्टेटमेंट लिखता हूँ मैं इफ एफ ऑफ जेड इक्व टू यू प्लस आई वी बी एन बी एनालिटिक इन डोमेन डी एंड जेड इक्व टू आर ई टू दावर आई थीटा Where U, V, R e to the oh, sorry theta are real numbers. ठीक है सभी के सभी क्या होते हैं रियल नंबर्स होते हैं देन प्रूव दैट क्या प्रूव कर देंगे हमको डी यू बाय डी आर डेट इज पोलर फॉर्म डी यू बाय डी आर इक्वस टू वन अपॉन आर डी वी बाय डी थीटा दिट इज द फर्स्ट पोलर फॉर्म ऑफ सी आर इशन एंड सेकेंड इज डी वी बाय डी आर ठीक है इक्वस टू माइनस वन बाय आर डी यू बाय डी थीटा ठीक है ये दो सी आर इक्वेशन हमको प्रूफ करना है ओके okay? तो पहले क्या है लिखते हैं को हमको गिवन क्या है ठीक है ओके okay? लेट W ई इक्व टू एफ ऑफ सेट इक्वस टू यू प्लस आई वी बी एनालिटिक इन डोमेंट डी ओके देअर फोर एफ ऑफ जेट सेटिस्फाइज सी इक्वेशन ठीक है सी आर इक्वेशन वो सेटिस्फाई करना ही चाहिए क्यों क्योंकि वो एनालिटिक है एनालिटिसिटी के लिए सी आर इक्वेशन नेसेसरी सब, नेसेसरी इन सफिशियंट कंडीशन है ठीक है दैट इज यू एक्स इक्व टू वी वाई एंड Uy इक्वस टू माइनस वी एक्स ठीक है ठीक है इनको इक्वेशन नंबर वन नाम दे रहा हूँ मैं दोनों इक्वेशंस को ओके नाउ हमारे पास क्या है <coughs> Z इक्वस टू क्या है आर ई टू पावर आई थीटा गिवन है ठीक है Z कोई पॉइंट है ओके आर ई टू पावर आई थीटा क्या होता है कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा टूलर्स प्रॉपर्टी के हेल्प से लिखा हमने ओके नाव आर कॉस थीटा प्लस आई इंटू आर साइन थीटा आर से मल्टीप्लाई कर दिया नाव जेड को किस तरीके से लिख सकते हैं जेड इक्व टू एक्स प्लस आई वाई ठीक है, है? यहाँ से क्या इंप्लाई कर रहा है एक्स इक्वस टू आर कॉस थीटा एंड वाई इक्व टू आर साइन थीटा ठीक है ओके okay. इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा स्क्वायरिंग एंड एडिंग अब वी गेट क्या मिल रहा है हमको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वस टू रहा है आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा ओके एंड आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओके दिस विल गिव यू आर स्क्वायर निकालेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ठीक है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर सो स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वस टू आर क्योंकि साइन स्क्वायर टीटा प्लस कॉस्क्वायर डीटा क्या होता है वन होता है जो आइडेंटिटी रियल में है वही आइडेंटिटी कॉम्प्लेक्स में सेटिस्फाई होती है आइडेंटिटी थेरम की हेल्प से ओके okay? एंड ये तो ऐसे भी लिख सकते थे हम आर की डेफिनेशन से आर स्क्वायर मीन्स स्क्वायर डीटा प्लस वाई स्क्वायर डीटा इतना नहीं भी करे तो चलता था एंड क्या है यहाँ पर इन दोनों को डिवाइड करेंगे देखो एक्स अपॉन वाई करेंगे सॉरी वाई अपॉन एक्स करेंगे तो क्या होगा आर अपॉन आर ठीक है साइन टीटा अपॉन कॉस टीटा दैट इज टेन टीटा ओके नाउ थीटा इक्वल्स टू टेन इनवर्स वाई बाय एक्स ओके नाउ डिफ्रेंशिएटिंग विल इक्वेशन नंबर ए दे देता हूँ इसको नाम नंबर ए एंड इक्वेशन नंबर बी ओके ये भी याद रखना हमको इक्वेशन नंबर ये है कैपिटल ए ठीक है मार्किंग इसलिए कर रहा हूं मैं कि आपको समझ में आ जाए नाउ डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन ए इक्वेशन ए विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट वॉट वी गेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्व टू आर स्क्वायर आर क्या है कॉन्स्टेंट है तो क्या आ जाएगा टॉइस एक्स सॉरी आर कॉन्सटेंटी टॉइस आर आर इज अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई सो डी आर वाई डीएक्स ठीक है सो हियर डी आर बाई डी एक्स इक्व टू एक्स इधर है डिवाइडेशन में आर आ जाएगा ठीक है एक्स बाय आर एक्स की वैल्यू कितनी है फ्रॉम इक्वेशन नंबर आर कॉस थीटा है अपॉन आर सो डेल आर बाय डेल एक्स आएगा हमारा कॉस थीटा ठीक है एक्स इक्व टू आर कॉस थीटा था ये इक्वेशन नंबर कैपिटल ए फ्रॉम ए लिखते रहूँ मैं इसमें बहुत सारे हमको आइडेंटिटीज फाइंड करना है तो थोड़ा हमारा इक्वेशन बढ़ा जाएगा ठीक है इक्वेशन नंबर टू दे देता हूँ मैं इसको एंड अगेन अगेन

इन क्या आ जाएगा टॉइस आर और डेल वाई बाय डेल आर ठीक है तो यह टू टू गेट कैंसिल एंड वी विल गेट डी आर बाय डी वाई ईक्स टू वाई बाय आर वाई की वैल्यू क्या रखी थी हमने फ्रॉम इक्वेशन नंबर ए आर साइन थीटा अपॉन आर ट इज डेल आर पाई डेल वाई इक्व टू साइन थीटा ठीक है इक्वेशन नंबर इसको थ्री नाम दे दो बहुत सारे इक्वेश्स आएंगे ठीक है आपको क्या डेल आर बाय डेल एक्स निकाला डेल आर बाय डेल वाई निकाला नाउ थीटा इक्वस टू क्या था हमारा टेन इनवर्स ऑफ वाई बाय एक्स ठीक है

वन प्लस एक्स स्क्वायर दैट इज एक्स के बदले के आए यहाँ पर वाई बाई एक्स होल स्क्वायर डेरिवेटिव ऑफ वाई अपॉन एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स दैट इज वाई तो जैसे की वैसे रहेगा क्योंकि कॉन्स्टेंट और पार्शल डेरेविट्यू ले रहे और वन बाय एक्स का डेरिवेटिव वन बाई एक्स स्क्वायर ठीक है हमने पहले भी ये सी आर इक्वेसन में देखा था ठीक है तो डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे क्या करते हैं एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर अपॉन में माइनस वाई बाय एक्स स्क्वायर ठीक है दिस एक्स एंड दिस एक्स विल बी कैंस कैंसल सो वी गेट आ वाई माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ठीक है तो वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वाई की वैल्यू हमने फाइंड की थी क्या थी आर कॉस टीटा फ्रॉम इक्वेशन ए आर कॉस टीटा सॉरी आर साइन टीटा था एक्स की वैल्यू थी आर कॉस थीटा फ्रॉम इक्वेशन नंबर कैपिटल है देखो आर साइन थीटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना था आर स्क्वायर था हम देख सकते हैं यहाँ पर इक्वेशन नंबर कैपिटल ए से देखो आर कॉस थीटा वाई इक्व टू आर साइन थीटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिस इज फ्रॉम इक्वेशन नंबर ए ए टू आर स्क्वायर फ्रॉम ए एंड कैपिटल ए ठीक है सिर्फ इंड डेट दे रहा हो आपको वैसे भी समझ में तो आ ही रहा है क्या हो रहा है तो ठीक so, है अपॉन आर स्क्वायर सो हेयर वी गेट माइन आर आर गेट कैंसर माइनस साइन थीटा अपॉन आर ठीक है डेल थीटा बाय डेल एक्स ओके नाउ डेल थीटा बाय डेल वाई इक्वस टू क्या आ जाएगा वन अपॉन वन प्लस एक्स बाय वाई स्क्वायर डेरिवेटिव ऑफ एक्स बाय वाई ओके सॉरी वाई बाय एक्स था वाई बाय एक्स का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू वाई देट इज़ वाई का डेरिवेटिव वन और एक्स तो एक्स रहेगा ही इसको सिम्प्लीफाई करने के बाद क्या आ जाएगा देखो ये सिंप्लीफाई करने के बाद एक्स अपॉन एक्सक्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ रहा है ठीक है एक्स की वैल्यू हमको पता है क्या है एक्स की वैल्यू आर कॉस थीटा अपॉन एक्सक्वायर प्लस वाई स्क्वायर आर स्क्वायर सो दिस विल बी कॉस थीटा अपॉन आर ठीक है डी थीटा बाय डी वाई इसको इक्वेशन नंबर थ्री दे दो इसको इक्वेशन नंबर फोर दे दो कोई कमी नहीं हमारे पास इक्वेशंस की सॉरी के ऊपर थ्री था इक्वेशन नंबर थ्री था तो इसको फोर देना पड़ेगा ठीक है इसको इक्वेशन नंबर फोर देंगे इसको इक्वेशन नंबर फाइव देंगे ठीक है नाउ यू एंड बी कैन बी कंसीडर एज फंक्शन ऑफ आर एंड थीटा क्यों ऐसा यू एंड वी को कंसीडर कंसिडर कर सकते हैं फंक्शन ऑफ आर एंड थीटा का क्यों क्योंकि हम पोलर कोऑर्डिनेट में देख रहे हैं तो ये दोनों फंक्शन आर और थीटा के बनेंगे अगर तो से में देखते हैं तो एक्स एंड वाई के बनते हैं ठीक है ओके okay. और हमको पता है एंड आर और थीटा किसके फंक्शन है आर फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई क्यों क्योंकि आर क्या है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर थीटा क्या है टेन इनवर्स ऑफ वाई बाय देयर फोर यू एंड वी आर फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई ओके सो अब क्या करेंगे हम डिफ्रेंशियट करेंगे यू को विथ रिस्पेक्ट टू एक्स सो डेल यू बाय डेल एक्स ठीक है अब ये हमने माना कि पहले डिफ्रेंशिएट करेंगे आर से फिर आर को करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स से सो डेल आर बाय डेल एक्स ओके यू फंक्शन है आर और थीटा का और आर और थीटा फंक्शन है एक्स के सो डेल यू बाय डेल थीटा, डेल थीटा बाय डेल एक्स ठीक है ओके नाउ इसको क्या करो डेल यू बाय डेल एक्स कर दो डेल यू बाय डेल आर क्या है डेल आर बाय डेल एक्स की वैल्यू हमने फाइंड कर रखी है डेल आर बाय डेल एक्स इतना है डेल आर बाय डेल वाई है माइनस सॉरी आर साइन थीटा ओके okay. अपने को क्या फाइंड करना है डेल आर बाय डेल एक्स डेल आर बाय डेल एक्स क्या था कॉस्ट थीटा था फ्रॉम इक्वेशन नंबर टू एंड थ्री का यूज़ करेंगे ठीक है सो इक्वेशन विल बिकम कॉस्टीटा डेल यू बाय डेल आर ठीक है डेल यू बाय डेल थीटा और यहाँ पर डेल्ट थीटा बायेक्स क्या था माइनस साइन थीटा अपॉन आर ठीक है ये हम सब फाइंड कर चुके हैं डेल्यू बाय डेल ठीटा देख लो यहाँ पे क्या है तो सॉरी डेल्ट थीटा बाय डेलेक्स था यहाँ पर डेल्ट थीटा बाय डेलेक्स क्या था माइनस साइन थीटा अपॉन आर एन ए डेल्यू बाय डेल टीटा ऐसी के वैसी फ्रॉम इक्वेशन नंबर फ्रॉम इक्वेशन नंबर थ्री एंड फाइव ठीक है हाँ आर कॉस डीटा ओके फ्रॉम इक्वेशन नंबर फोर एंड फ्रॉम इक्वेशन फोर एंड फाइव ठीक है फ्रॉम इक्वेशन यहाँ पर टू और फाइव की मदद से ओके इसको खुद को इक्वेशन नंबर हम क्या देंगे सिक्स दे देंगे सिक्स दिया है क्या इसके ऊपर बहुत सारे इक्वेशन आए थोड़ा सा बस लेंदी थे रे हमें ओके इसके बाद हार्मोनिक फंक्शन जो रहेगा वो सिंपल एंड स्वीट है नाउ डेल्यू बाय डेल वाई वॉट विल बी इक्वल टू डेल्यू बाय डेल आर डेल आर बाय डेल वाई प्लस डेल्यू बाय डेल ठीटा एंड डेल ठीटा बाय डेल वाई ठीक है डेल्यू बाय डेल आर जैसे कि उसे रहेगा डेल आर बाय डेल वाई की वैल्यू हमने फाइंड कर रखी थी क्या थी साइन ठीटा डेल्यू बाय डेल आर प्लस okay, यहाँ पर डेल्यू बाय डेल्थीटा थी, बाय डेल वाई की वैल्यू क्या है थीटा पॉन आर और यहाँ पर है डेल्यू बाय डेल्टीटा साइन थीटा, थीटा पॉन आर थीटा पॉन आर ठीक है इक्वेशन नंबर थ्री एंड क्वेश्चन नंबर फोर से आपको देखने को मिलेगा ठीक है जो भी आपने देख लेना है ठीक है एंड नाउ सेकंड पेज पे देखते हैं बहुत पेज भर गया है जी कि जस्ट अ सेकंड नाउ वी के इक्वेशन देखते हैं हम ठीक है नाउ हियर डेल वी बाय डेल एक्स दैट विल बी इक्वल टू डेल वी बाय डेल आर डेल आर बाय डेल एक्स प्लस डेल वी बाय डेल थीटा एंड डेल थीटा बाय डेल एक्स ठीक है सेम एज यू में किया था हमने मैं डायरेक्टली पुट कर रहा हूँ डेल आर बाय डेल एक्स की वैल्यू हमको पता है क्या थी कॉस थीटा डेल वी बाय डेल आर जी क्यों सी डेल थीटा बाय डेल एक्स की वैल्यू हमको पता है हमने फाइंड किया है माइनस साइन थीटा अपॉन आर ठीक है बराबर नंबरिंग देते ना उसको थे रोने के बाद डेल वी बाय डेल थीटा ठीक है this will give you equation number 7 ठीक है पिछले हमने equations दी है उसके ही help से हमने equation को continue किया हमने ये ठीक है vx अब इसके बाद vy now del v by del y क्वल टू क्या डेल वी बाय डेल आर ओके डेल आर बाय डेल एक्स प्लस डेल वी विथ रिस्पेक्ट टू डेल थीटा एंड डेल थीटा बाय डेल एक्स और फिर से जो वैल्यू निकाल रखी है डेल बाय डेल आर बाय डेल एक्स की वैल्यू वो पुट कर दो साइन थीटा डेल वी बाय डेल आर ओके प्लस कॉस थीटा अपॉन आर डेल बी बाय डेल टीटा ठीक है इक्वेशन नंबर एट दे दो इसको ओके <coughs> सेवन एट यू यू एक्स और वी वाई वालों को दे दो इसको नाइन और टेन दे दो इक्वेशन नंबर नाइन और टेन ठीक है सेवन एट नाइन और टेन वो कंसीडर करना वी एक्स और यू वाई के हमने इक्वेशन को इक्वेशन नंबर एट और नाइन दिया है ठीक है ओके वी नो दैट सी आर इक्वेशन जो सेटिस्फाई करता है नाउ यू एक्स इक्वल्स टू वी वाई होता है ठीक है डी यू बाय डी वाई दैट इज डी यू बाई डी एक्स इक्व टू डेल वी वाई डेल वाई ठीक है दोनों के इक्वेशन्स रख लो आमने सामने ओके okay, ये क्या आया था डेल्यू बाई डेलेक्स का इक्वेशन कॉस थीटा डी यू बाय डी आर ओके माइनस साइन थीटा अपॉन आर डी यू बाय डी टीटा ये टू साइन थीटा डी वी बाई डी आर प्लस कॉस थीटा अपन आर टू डी वी बाय डी टीटा ओके ना क्या करना है हमको वी एक्स इक्वस टू क्या है अगेन एक और हमारे पास सी आर इक्वेशन है वो क्या कहता है यू वाई इक्वस टू माइनस वी एक्स है ओके यू एक्स इक्वस टू यू वाई इक्वस टू माइनस वी एक्स है अब दोनों के इक्वेशन पुट कर लो यू यूवाई की इक्वेशन क्या है तो साइन थीटा दैट इज डी यू बाई डी वाई साइन थीटा डी यू बाय डेल आर प्लस कॉस थीटा अपॉन आर डी यू बाय डी थीटा ओके माइनस कॉस थीटा डी वी बाय डेल आर माइनस इंटू माइनस प्लस साइन थीटा फोन आर डी वी बाय डी थीटा ओके ठीक है ना ये दोनों इक्वेशन निकल के आ गए अब हमारा को नाम दे दो हम इक्वेशन नंबर टेन तक के आ गए थे इक्वेशन नंबर एलेवन एंड इक्वेशन नंबर एलेवन ट्वेल्व इसको नाम दे दिया हमने नाउ मल्टीप्लाइंग क्वेशन एलेवन बाय कॉस्टीटा एंड क्वेश्चन टूल्व बाय साइन थीटा एंड एडिंग ठीक है क्वेश्चन नंबर एलेवन को साइन कॉस्टीटा uh, से मल्टीप्लाई करना है इसको साइन टीटा से मल्टीप्लाई करना है ठीक है देखियो डेल्यू बाई डेल आर दोनों में कॉमन है कॉस्कोटीटा प्लस साइंस को टीटा बाहर निकल के आ जाएगा साइंस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस्ट स्क्वायर डीटा या फिर कॉस स्क्वायर डीटा प्लस साइंस स्क्वायर थीटा डी यू बाई डेल आर एड करने पर और बाकी जो टर्म्स है वो कैंसिल हो जाती है ठीक है जो भी है को मल्टीप्लाई करेंगे साइन थीटा कॉस थीटा से माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा पोन आर ये डी यू बाई डी टीटा यहाँ पर देखो ये प्लस में कॉस्ट थीटा पोन आर है, है यहाँ पर साइन थीटा हो जाएगा मल्टीप्लाई और डी यू बाई डी थीटा प्लस माइनस गिट कैंसल ऐसी टर्म्स कैंसिल होते जाएंगे ठीक है और बचेगा यहाँ पर कॉस्क्वायर थीटा प्लस साइंस स्क्वायर थीटा इंटू डी वी बाय डी थीटा और बचेगा वन बाय आर ठीक है सो हियर को स्क्वायर डीटा प्लस साइंस स्क्वायर थीटा इक्व टू वन सो डी यू बाय डेल आर इक्वस टू वन बाय आर ठीक है और ये डी वी बाय डी थीटा ये हुआ एक सी आर इक्वेशन प्रूफ ओके नाउ इक्वेशन नंबर थर्टीन क्या है हमारा सी आर इक्वेशन है नाउ पुट इक्वेशन नंबर थर्टीन इन अबाउ इक्वेशन मतलब इक्वेशन नंबर वेल में पुट करने के बाद क्या होगा देखो साइन बाय डेल आर की वैल्यू पुट करनी है बाय बाय थीटा ईजी है बस कैलकुलेशंस करता जाना है बाकी कुछ नहीं करना है ठीक है थोड़ा सा ज्यादा इक्वेशंस है करके आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है ये नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं जानी चाहिए आपको ठीक है अब यहाँ पर माइनस कॉस्टिटा डी वी बाय डेल आर माइनस थीटा इक्व टू माइनस कॉस्टिटा डी वी बाय डेल आर ओके और क्या है साइन थीटा अपॉन आर डेल वी बाय डेल थीटा ओके साइन थीटा अपॉन आर डेल वी बाय डेल थीटा ठीक है क्या क्या हो जाएगा यहाँ से कैंसिल डेल वी डेल थीटा साइन आर अपॉन आर दिस गेट कैंसल कॉस थीटा यहाँ से कट जाएगा सो so, बचेगा क्या यहाँ पर दिस इम्प्लाइज वन बाय आर डेल यू बाय डेल थीटा इक्वस टू डी वी बाय डेल आर उसके साथ माइनस साइन ठीक है तो दिस इम्प्लाइज वी गेट डेल वी बाय डेल आर इक्वस टू माइनस वन बाय आर डेल यू बाय डेल्थीटा क्वेश्चन नंबर फोर्टीन ओके सो वी इजिली गेट मतलब बहुत सारे इक्वेशन निकालने के बाद इक्वेशन नंबर थर्टीन एंड फोर्टीन आर पोलर फॉर्म ऑफ सी आर इक्वेशन ठीक है आपको ये याद रखने हैं पोलर फॉर्म एम में पूछे जा सकते हैं ठीक है तो अखला जो भी है हम वो आगे के लेक्चर में देखेंगे थैंक यू वेरी मच